हेलो फ्रेंड्स, मैं तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं ये मेरा चैनल टीआर बहादुरपुर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबरिंग करना सीखेंगे, वो भी प्रिंट मर्ज के जरिए। डायरेक्ट प्रिंट करते वक्त हम जो नंबरिंग चाहते हैं वो आना चाहिए। जैसे मान लीजिए, मिसाल के तौर पे अगर कोई ग्राहक हमको 100 कैश मेमो का आर्डर देता है तो हम 100 कैश मेमो प्रिंट करेंगे, तो हम ये सोचते हैं कि उस पर जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाए। तो वो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, प्रिंट मर्ज के जरिए, आज की वीडियो में वही हम सीखने वाले हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, यहाँ पे नंबर लगाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल मेनू में, उसके बाद आ जाएंगे हम प्रिंट मर्ज पे। इसको हमको 100 प्रिंट करना है तो 100 नंबरिंग हमको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट लोड मर्ज फील्ड लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए चाहे जो भी, ठीक है, और नीचे वाले पे टिक कर दीजिए, हमको एक नंबर से चाहिए और 100 तक चाहिए, हम इसको 100 कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद नेक्स्ट करते हैं। आप नेक्स्ट किए तो देखिए यहाँ पे एक ही दिखा रहा है, बैक कर लीजिए, फिर से यहाँ पे ओके कीजिए और इसको हटाइए। देखिए ये क्या है, पूरा आपका यहाँ से नीचे देख लीजिए, एक से लेकर के पूरा 100 तक आ गया। आप इसको अब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर दीजिए, फिनिश कर दीजिए, आपके सामने ये आ जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये X7 और X8 में इससे आसान है, कोरलड्रा का जो 7 और 8 वाला वर्जन है 17 या 18, लेकिन ये X3 है तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मैं बता रहा हूँ। अब आप ये यहीं पर रहने दीजिए, इस पर क्लिक करिए और जहाँ पर आपको नंबरिंग करना है वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर। इसके बाद फिर इसी पर क्लिक कर दीजिए, ये हट जाएगा। पिक टूल पर क्लिक करिए, इसको ला करके अच्छे जगह पर सेट कर दीजिए, ये आपका सेट हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आएंगे तो ये जो देखिए तीसरा वाला है लिख रहा है परफॉर्म प्रिंट मर्ज, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे प्रिंट करने वाला ऑप्शन खुल के आ जाएगा। यहाँ पेपर की साइज आप सेट कर लीजिए, जिस पेपर पर आपको प्रिंट करना है। प्रिंट परव्यू में आ जाइए, ठीक, ये आप देखिए प्रिंट परव्यू में आ गए तो आपको ये नंबर एक दिखा रहा है, ये 100 पेज प्रिंट करेगा। ये देखिए 2 पे 2, 3, 4, ये पूरा 100 तक, ठीक है, आप देख सकते हैं 1 से लेके 100 तक, यानी ये 100 पेज बन गए हैं, 100 पेज प्रिंट करेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में नंबरिंग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100 पेज आपका प्रिंट हो जाएगा नंबर के साथ। ये तो हो गया एक के लिए, लेकिन जो अमूमन कैश मेमो की साइज होती है, तो अब मान लीजिए 100 हमको प्रिंट करना है तो A4 जो पेपर है उस पर 2 प्रिंट आएगा 1/8 में, ठीक है, तो हमको 2 प्रिंट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। ये तो अगर मान लीजिए A4 साइज़ का है तो कर लेंगे, या एक हम चाहते हैं कि A4 में 2 प्रिंट हो तो दोनों पे नंबर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर ला के छोड़ देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, अब हमारे सामने 2 A4 साइज में 2 मीटर तैयार है। तो अब हमको दोनों पे नंबर लगाना है, यानी 1 से 50 तक इस पे नंबर आए और 50 के बाद के 100 का जो नंबर है वो इस पे आए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फिर हम फाइल मेनू में जाएंगे, प्रिंट मर्ज पे जाएंगे और क्रिएट लोड मर्ज फील्ड, वही काम करना है, नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे TR1 डाल देंगे, TR1 नीचे पर क्लिक करेंगे, हमको यहाँ 1 से लेकर के 50 तक चाहिए। कितने तक, 1 से लेकर 50 तक। अब ये नीचे वाला फॉर्मेट जो है आप इसको 00x कर दीजिएगा, क्योंकि 100 तक हमको चाहिए ना, तो ये फॉर्मेट मतलब पिछले वाले में भूल गया था, आप इसमें कर लीजिएगा। यहाँ से आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, ऐड करने के बाद आप नेक्स्ट करिए। देखिए 1 से लेकर के 50 तक इसमें आ गया। आप फिर से बैक आ जाइए और यहाँ पर TR2 डाल दीजिए, आप अपने नाम का जो चाहें वो डाल सकते हैं, ये आपके आसानी के लिए, आपके समझने के लिए, ठीक है। फिर नीचे वाले पर क्लिक कीजिए, अब हमको यहाँ किस में चाहिए, 51 से चाहिए, क्योंकि 50 तक तो वो हो गया, 51 से लेकर के 100 तक चाहिए। नीचे वाले को फॉर्मेट वही कर दीजिए 00x और इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, आप नेक्स्ट करके देख लीजिए। अब ये देखिए TR1 में 1 से 50 तक है, TR2 में 51 से लेकर के पूरा 100 तक है, नीचे तक देख लीजिए 100 तक। अब आप इसको नेक्स्ट करिए, फिनिश कर दीजिए। फिनिश करने के बाद आप देखिए यहाँ पे प्रिंट मर्ज आ गया, ये जो TR1 लिखा है, तो आप इंसर्ट सिलेक्टेड प्रिंट मर्ज फील्ड पे
ओके करेंगे और पहले वाले पे लाके क्लिक कर देंगे, फिर इस पे ओके कर देंगे, ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद फिर इस पे क्लिक करेंगे और TR2 वाले को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर वही काम करना। अब इस पे सेलेक्ट करके यहाँ पे मर्ज कर दिए और इसको ख़त्म कर दिए। उसके बाद पिक टूल को पकड़ के अब आप इसकी सेटिंग कर लीजिए कि आपको कहाँ रखना है, जैसे हमको यहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर वही पुराना वाला तरीका, परफॉर्म प्रिंट मर्ज, ओके करेंगे, हमारा प्रिंटिंग का ऑप्शन खुल के आ गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू में चले जाते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखिए पहले पेज पे एक है और दूसरे पे 51 से शुरू होगा। पेज नंबर 2 पे आ जाइए, यहाँ पे 2, वहाँ पे 52, 3 पे आ जाइए, 353, 454, यानी अब ये 1 से 50 तक जाएगा और ये 51 से 100 तक जाएगा, जिसको हम कट करने के बाद आसानी से सेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप इसको समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।